क्या कह रहे हैं, एक कैरम बोर्ड है 4x4 फीट स्क्वायर है और उसमें क्वीन सेंटर पे रखी है। द क्वीन हिट बाय द स्ट्राइकर मूव्स टू द फ्रंट। क्वीन को जब स्ट्राइकर से हिट करते हैं तो फ्रंट एज पे स्ट्राइक करती है और वापस आके हमारा रिबाउंड होके जो सेंटर के पीछे होल है उसमें चली जाती है, ठीक है। रिबाउंड एंड गोज इन टू द होल बिहाइंड द स्ट्राइकिंग लाइन। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज, फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल और फ्रॉम द सेंटर टू द होल। अब इसका फिगर देखिए, ये हमने ले लिया 4x4 का एक कैरम बोर्ड, ठीक। ओके, 4 यहां से 4 यहां से, ठीक। 4x4 का कैरम बोर्ड, ये इसका कोई सेंटर पॉइंट है जहां से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2, ये 2, सारे 2 2 लेंथ हो जाएगी इसकी। ओके, चलिए ये 4 हटा के 2 2 लिख देते हैं। ओके, ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट। यहां से हमने स्ट्राइकर स्ट्राइक किया, यहां पे क्वीन रखी थी वो जाके कहीं पे सामने ये स्ट्राइक करती है और रिबाउंड होके जो सेंटर के पीछे होल है वहां पे चली जाती है, ठीक। ओके, चलिए अब इसको नाम देते हैं ए बी सी डी और ये पी क्यू आर एस, ये हो जाएगा ओ पॉइंट, ठीक। और इसको कोई नाम दे देते हैं ई पॉइंट। ओके, चलिए ठीक। अब हमें ओवरऑल निकालना क्या है, ओ ई निकालना है, ई से ए निकालना है और ओ से ए निकालना है। सबसे पहले ओ ई मतलब क्या है, सेंटर से फ्रंट एज के बीच की डिस्टेंस, फिर फ्रंट एज से होल की डिस्टेंस, फिर सेंटर से होल की डिस्टेंस। ये तीन पार्ट हमें सॉल्व करने हैं, ठीक। अब ये 2 2 2 2 है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा यहां पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये भी होगा, ठीक। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जिस एंगल पे जाएगी वहीं पे रिफ्लेक्ट भी करेगी, तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो ये दोनों होंगे, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, ठीक। अगर इतना पार्ट हम एक्स ले लेते हैं तो इतना पार्ट हमारा 2 - x हो जाएगा, क्लियर। ये पार्ट एक्स ले लिया, ये पार्ट 2 - x हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम ये दोनों ट्रायंगल सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या ट्रायंगल सॉल्व करते हैं, ओ एस ई, और दूसरा फिर सॉल्व करते हैं ए ई डी। इससे सॉल्व करने से क्या होगा, हमें ये एक्स पता चल जाएगा, कैसे, ये चीज 2 पता है, इसमें ये 4 पता है। अगर हम टेन थीटा लगाएं पहले वाले में इन ट्रायंगल ओ, इसको लिख सकते हैं एस ई ओ, एस ई एस ओ ई सॉरी, ठीक। तो यहां पे टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहां पे एक्स, बेस हो जाएगा 2, ठीक। फिर ये ट्राइंगल लगाए, यहां पे थीटा की आई होगा क्योंकि एंगल आई है, ठीक। इन ट्राइंगल ये ले लेते हैं डी ए ई, ठीक। चलिए अब इसमें टेन आर हो जाएगा, टेन आर परपेंडिकुलर यहां पे 2 - x और बेस हो जाएगा 4, ये ठीक। ओके, अभी हमने बताया आई स्क्वायर टू आर, तो टेन आई टेन आर के बराबर होगा, ये दोनों इक्वल रख देंगे तो एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2 - x/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 4x इज इक्वल टू 4 - 2x यहां पे आएगा, तो 4 + 2 6x इज इक्वल टू 4, तो x क्या हो जाएगा 4/6 यानी कि 2/3। तो ये डिस्टेंस हो गई हमारी 2/3, तो ये क्या हो जाएगी 4/3, 2 - 2/3 करोगे 4/3 आ जाएगी, ठीक। तो हमें x पता चल गया। ओके, अब देखिए ये 2 पता है, ये 2/3 पता है, ये निकालना है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे ये 90 बना रहा है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, मतलब हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है, बेस और परपेंडिकुलर पता है। तो सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो इससे क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इन ट्राइंगल एस ओ ई, इसमें जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या होगा, ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू एस ओ स्क्वायर प्लस ई ओ स्क्वायर प्लस ई एस स्क्वायर, ठीक। एस ओ 2 का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर यानी कि 4 + 4/9, इसमें से 4 कॉमन लो, 1 + 1/9 ये क्या हो जाएगा 4 10/9, ठीक। यहाँ पे OU क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 × 10/9, जिसको सॉल्व करोगे तो 2/3 बाहर आ जाएगा, √10। ये हो जाएगी हमारी पहली डिस्टेंस, जो हमारा पहला पार्ट है, क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज, क्या आएगी 2/3 √10, ठीक। चलिए ये पार्ट सॉल्व हो चुका है, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ठीक। यहां तक का समझ में आ गया होगा,
पहला पार्ट। अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या कहा है? फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल। अब ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल बी ए ई। ठीक, इसमें क्या करते हैं, ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, हमें ये निकालना है। फिर से पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें क्या होगा, ई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई डी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। ठीक, ओके, ई डी ये क्या है, 4/3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, 2+2 ये 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 16/9 प्लस 16, इसमें से 16 कॉमन, फिर से अंदर क्या हो जाएगा, 1/9 प्लस 1, इसको क्या लिख दोगे, 10/9, तो 16/9 इंटू 10। ओके, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 16/9 इंटू 10, जिसको क्या लिख सकते हो, 4/3√10। तो ये आ जाएगी डिस्टेंस फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट पार्ट में क्या कहा है, हमें सेंटर से होल की डिस्टेंस निकालनी है। तो ये पार्ट टू होगा, ये पार्ट टू होगा, फिर से पाइथागोरस थ्योरम इसमें भी लगा दो। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। सी क्या है, ये ओ क्यू और ए क्यू पता है, हमें ओ ए निकालना है। तो ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, और दोनों की वैल्यू टू है, तो टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, यानी कि 4+4 इज इक्वल टू 8। तो ओ ए क्या आ जाएगा, अंडर रूट 8, जिसको क्या लिख सकते हो, 2√2। तो ये हमारे तीनों पार्ट इसके सॉल्व हो गए। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज देख सकते हैं आपकी किस तरह से लिखा गया है, उसको समझना ही बस हमारा इसमें काम होता है। एस सी वर्मा सर की बुक में बस यही चीज है कि बुक्स जो क्वेश्चन होते हैं वो डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं, बस उसको समझना ही आपको ट्रिक्स होती है कि कैसे आप उसको समझ सकते हो।